न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, डीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल। गो तस्करी मामले में कई महीनों से जेल हिरासत में बंद वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल के लिए बड़ी और मुश्किलें, फिर से कोर्ट ने भेजा 14 दिनों के जेल हिरासत में। सीबीआई ने वीरभूम के सीवड़ी सहकारी बैंक में 200 से अधिक फर्जी खातों का लगाया पता, गुरुवार को अनुव्रत मंडल को कोर्ट में पेशी के दौरान दी जानकारी। कुल्टी के बीजेपी विधायक की कार को हाईवा ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे डॉक्टर अजय पोद्दार, पुलिस ने किया ट्रक को जब्त। आसनसोल सीतारामपुर के बीच से स्थित सतैसा इलाके में उद्योगपति पवन गुटकुटिया के प्लांट में चोरी, करीब 3.5 लाख के लोहे से सामान ले उड़े चोर, थाने में शिकायत। पिछले कई महीनों से अपने भारी भरकम शरीर लिए अनुव्रत मंडल जेल के गेट से निकलते हैं, पुलिस कर्मियों का सहारा लेकर गाड़ी में बैठते हैं और फिर उन्हें आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में ले जाया जाता है। वहां भी अनुव्रत मंडल गाड़ी से उतरते समय पुलिस कर्मियों का सहारा लेते हैं और फिर कोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश करते समय भी किसी पुलिस कर्मी का सहारा लेते हैं, फिर कोर्ट से वापस जेल लौटते हुए उसी तरह से पुलिस कर्मियों का सहारा लेते हैं। पिछले कई महीनों से ऐसा ही चल रहा है और अब अनुव्रत मंडल के बुझे बुझे चेहरे को देखकर लगता है कि यह भी समझ गए हैं कि यह पीड़ादायक सिलसिला जल्द खत्म नहीं होने वाला। हालांकि गुरुवार को जब अनुव्रत मंडल जेल से कोर्ट लाए गए तो उन्होंने माथे पर टीका लगाया हुआ था, शायद उन्हें जमानत मिलने के लिए पूजा पाठ की हो और मन में कुछ उम्मीद बांध रखी हो, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी नामंजूर होने के बाद जैसे उनके वकीलों ने भी मान लिया है कि अभी फिलहाल राहत की गुंजाइश नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने फिर से अनुव्रत मंडल के लिए आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत याचिका दायर नहीं की। दरअसल 14 दिनों की जेल कस्टडी पूरी होने के बाद 19 जनवरी यानी गुरुवार को फिर से सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को कोर्ट में पेश किया। आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने फिर से अनुव्रत मंडल को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। जब जेल से अनुव्रत मंडल को निकाला गया और कोर्ट ले जाया गया तो उनसे मीडिया कर्मियों ने कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेश करने से पहले सीबीआई अधिकारी आसनसोल जेल गए और वहां अनुव्रत मंडल से वीरभूम के सीवड़ी सहकारी बैंक में खुले फर्जी खातों के संबंध में पूछताछ की। कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान सीबीआई वकीलों ने यह मुद्दा उठाया और बताया कि सीवड़ी सहकारी बैंक में जांच के दौरान 177 फर्जी खातों का पता चला है। सीबीआई ने दावा किया है कि इन फर्जी खातों से लेन देन किए गए हैं। सीबीआई का यह भी कहा है कि ऐसे फर्जी खातों की संख्या 200 से अधिक है। सीबीआई ने इन फर्जी खाता धारकों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के बारे में भी बताया कि उन्होंने पंचायत में अपने आधार कार्ड सौंपे थे, जिनके जरिए ये फर्जी खाते सहकारी बैंक में खोले गए थे। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट नेता अनुव्रत मंडल के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और कहीं से उजाले की कोई किरण नहीं दिख रही। दादा दादा जेपी नड्डा इस राज्य किछु बोलबेन, दादा बोलबेन। कुल्टी के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गए। हालांकि उनकी कार को काफी नुकसान पहुंचा है। पता चला है कि डॉक्टर अजय पोद्दार बुधवार को पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुर्गापुर गए थे। बैठक समाप्त होने के बाद रात को वह अपने कुल्टी स्थित घर लौट रहे थे, लेकिन आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में रात करीब 10:30 बजे उनकी कार को पीछे से एक हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना से अजय पोद्दार को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी कार चालक को हल्की चोटें आई है। घटना की खबर पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और हाईवा चालक को हिरासत में ले लिया, साथ ही हाईवा गाड़ी को भी जब्त कर लिया। इस घटना की सूचना पाकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। अपने नेता डॉक्टर अजय पोद्दार को सही सलामत देकर उन्होंने राहत भरी सांस ली। गुरुवार की सुबह जब डॉक्टर अजय पोद्दार से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संभवतः हाईवा का चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से वह नियंत्रण नहीं कर पाया और हमारी कार को टक्कर मार दी।
यातायात के माध्यम में जो होता है दुर्घटना, एक हाईवा चला रहा था भाई पीकर, उसने काली पहाड़ी के पास में से गाड़ी को दबा ही दिया था। ये संजोग था कि कहाँ से आप लौट रहे थे? दुर्गापुर से राज्य कार्यकारिणी की विशेष बैठक थी और उसमें सारा व्यवस्था करने के लिए हम लोग गए हुए थे। वहाँ से डेली नित्य अभी लौटना हो रहा है। क्या किसी साजिश भी इसमें लग सकती है आपको? इस तरह रात में पहली बार दुर्घटना घटा रहा कहीं आतंकवाद घटना हाईवा, इतने बड़ी गाड़ी या बाल बचे, आकस्मिक घटना ही हो सकती है, दुर्घटना का तो कोई सिद्धांत नहीं होता। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नगर निगम के द्वारा निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम भवन में शिविर का उद्घाटन चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया। प्रशिक्षण शिविर आसनसोल के साथ ही जामुड़िया, रानीगंज और कुल्टी में चलाया जाएगा। 20 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में कुल 400 महिलाओं को सिलाई की बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। एडवांस ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को नगर निगम द्वारा कुछ काम भी मुहैया कराए जाएंगे। चेयरमैन ने फीता काट कर इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपमेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी और इंद्रानी मिश्रा भी उपस्थित थे। इंद्रानी मिश्रा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर से महिलाओं के लिए रोजगार में सुविधा होगी। आज एक सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया आसनसोल नगर निगम के तरफ से। इसमें आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत 400 महिलाओं को निशुल्क ये प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो सिलाई सीख सके। बेसिक और एडवांस दोनों ग्रुप में ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। जिनको थोड़ा बहुत सिलाई आता है उनको एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा और जिनको कुछ नहीं आता है, वो नए से सीख रहे हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा। रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी, आसनसोल लेकर 4 जोन में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, टोटल 400 लेडीज को, और आने वाले दिनों में इनका प्लेसमेंट के लिए भी कॉर्पोरेशन सोचेगी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग अपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
जस्ट ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल सीतारामपुर के 2027 इलाके में उद्योगपति पवन गुरगुटिया का आसनसोल सीमेंट का प्लांट है। हालांकि अभी यहां सीमेंट का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन उसी प्लांट में मेटल रिकवरी लगाने का काम चल रहा है। लेकिन इलाके के दबंग लोगों और चोरी की घटनाओं से नए प्लांट लगाने में बाधा आ रही। प्लांट के मैनेजर द्वारा आसनसोल साउथ पीपी में लिखित शिकायत दर्ज कर बताया गया कि मंगलवार की रात उनके प्लांट में करीब 3.5 लाख रुपए का 5 टन लोहा चोरी हो गया है। चोरी गए सामानों में लोहे के रोडर, गार्डर प्लेट आदि चीजें हैं। प्लांट के मालिक पवन गुरगुटिया का कहना है कि चोरी की घटनाओं की वजह से काम करना मुश्किल हो रहा है। इलाके में 10 प्लांट थे, लेकिन अभी मात्र एक ही बचा है। काम में बाधा दिए जाने के कारण ही उद्योगों का चलना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल प्लांट के मैनेजर प्रेमकांत नेहरिया ने आरोप लगाया कि इलाके में रामजी साव द्वारा प्लांट की 4 दीवारी का काम नहीं होने दिया जा रहा है, ताकि चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। नेहरिया ने पुलिस से की गई लिखित शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है। हमारे फैक्ट्री में जो रामजीत साहब जो है, उनके फादर के नाम है दीनदयाल साहब, वो बांडीबल मेरे को करने नहीं दे रहे हैं। उनका इरादा इधर से माल सब चोरी हो, रात में हमारी बहुत सब माल जो है आयरन में बहुत सब चोरी हो गई है। कब, कौन सा रात? 17 तारीख की रात में। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी में जैसे हमारे हो गई है, रोलर हो गई है, गार्डर हो गई है, प्लेट हो गई है, और छोटा मोटा बहुत सा सामान हमारी चोरी हो गई है। कम से कम 5 टन माल चोरी हो गई है। लगभग कितने लागत की माल होगी? लगभग ताकत होगी, ताकत 3 लाख की होगी। तो आपने शिकायत कहीं किया है? हमने शिकायत किया, ताकि हमने ताकि आपका डायरी किए हैं, ताकि आसनसोल साथ PFP में वहाँ पर। काफी दिनों से रूपनारायणपुर के लोगों की मांग थी कि दुर्गा मंदिर से डाबर मोड़ होते हुए पीठा कियारी और धीवरपाड़ा की सड़क और रेल गेट से टोल टैक्स तक सड़क की मरम्मत की जाए। अब जिला परिषद द्वारा गुरुवार को इन 2 प्रमुख सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। मरम्मत कार्य का शिलान्यास पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के कार्याध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सलानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष फाल्गुनी कर्मकार चासी और उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा भी उपस्थित थे। इसके अलावा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सह सभापति भोला सिंह भी मौजूद थे। करीब 22 लाख रुपए की लागत से इन 2 सड़कों की मरम्मत की जाएगी। मोहम्मद अरमान ने कहा कि सड़कों की मरम्मत से आने जाने में सुविधा होगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। आज के जिला परिषदের পক্ষ থেকে দুটো রাস্তা আমাদের ডাবর মোড় থেকে নিয়ে ধীবরপাড়া মানে পিঠাকিয়ারি হয় এই রাস্তার কাজ রিপেয়ারিং কাজ শুরু হলো, কাল থেকে শুরু হবে। এবং একটা রাস্তা আমাদের রেল গেট যে আছে সেখান থেকে নিয়ে টুল ট্যাক্স অফিস, ওটা প্রায় 9 লাখ টাকার কাজ। এই দুটো রাস্তার কাজ আমাদের আগামী কাল থেকে রিপেয়ারিং কাজ শুরু হবে। কত কিলোমিটার এই রাস্তাটা? এটা প্রায় 1 কিলোমিটার আর ওটা প্রায় 1.5 কিলোমিটার একটু কম আছে। दुर्गापुर के कवि गुरु मैदान में गुरुवार से स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कृत मेले की शुरुआत हुई। यह मेला एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा आयोजित किया गया है। मेले का उद्घाटन राज्य के पंचायत एवं ग्राम उन्नयन मंत्री प्रदीप मुजुमदार ने किया। इस मौके पर दुर्गापुर के कई वरिष्ठ लोग, साहित्यकार और चिकित्सक मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान पंचायत मंत्री प्रदीप मुजुमदार ने कहा कि जिस तरह से राज्य का विकास हो रहा है, उसी तरह से दुर्गापुर में भी विकास दिखाई दे रहा है। খুব ভালো সময় পৌঁছে গিয়েছে, যখন ক্লোজারের সময় আপনারা বলবেন, কিন্তু আমি বলছি উদ্দেশ্যটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োচিত। আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। এটা কি স্বাস্থ্য মেলায় যেমন মানুষকে চিকিৎসার সুযোগ করে দিচ্ছেন ওনারা,
সেটা তো এখন সব জায়গায় পাওয়া যায়, এটা আরো হাতের কাছে হলো। কিন্তু এর উপকারিতা কি? একটা মেলায় এসে যখন হবে, পাঁচজন যখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ওখানে দেখাবেন, তাহলে কার কি সমস্যা এবং ডাক্তারবাবুরা যে পরামর্শ দেবেন তার ভেতরে ওই যে কথা আমাদের মিসেস সেনগুপ্ত বললেন যে প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, মানে যাতে আমরা রোগকে দূরে রাখতে পারি, সেগুলো এখানে আলোচিত হবে। মানুষের নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে একটা সহমত তৈরি হবে আস্তে আস্তে। ও বলছিল, উনি বলছিলেন, ওনার এই জন্য এই অসুবিধা হয়েছে, সেই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी, ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसूस। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगल के मोबाइल हॉस्पिटल में, यहां आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल, जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर की फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेले रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइके जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइके 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल नगर निगम के मेयर, विधान उपाध्याय, बाराबनी के तृणमूल विधायक भी हैं, इसलिए गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बाराबनी के दोमोहानी में दीदी सुरक्षा कवच योजना का शुभारंभ किया। सबसे पहले वह दोमोहानी आदि दुर्गा मंदिर की पूजा में शामिल हुए, उसके बाद वह लोगों से मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर पश्चिम वर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति सुभद्रा बावरी और सदस्य असित सिंह भी उपस्थित थे। এটা দেখুন, এই 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 পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি এবং আমি যেহেতু বারামণি বিধানসভায়, আমরা আমার আমি আমি তো ছাড়ুন, আমাদের যে ব্লক প্রেসিডেন্ট বা আমাদের যে নেতৃত্ব আছে লোকাল অঞ্চলের নেতৃত্ব আছে, 100% বলবো না, বেশিরভাগ নেতৃত্ব কিন্তু সবসময় মানুষের সাথে থাকে, মানুষের পাশে থাকে।
पार्क आसनसोल के वार्ड नंबर 43 स्थित रंगनिया पाड़ा में महावीर स्थान मंदिर में वार्षिक माता रानी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए सुबह में एक विशेष कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवती और महिलाओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा महावीर स्थान मंदिर से शुरू होकर राहलैन जीटी रोड डामोदर तालाब होते हुए वापस रेंगनिया पाड़ा आकर समाप्त हुई। इस कलश यात्रा में वार्ड के पूर्व बीजेपी पार्षद आशा शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि माता रानी का वार्षिक महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय माता दी। आज सभी आप सब देख रहे हैं कि हर साल की भांति इस साल भी महावीर स्थान रंगनिया पाड़ा जो वार्ड नंबर 43 में स्थित है, आज माता रानी का कलश यात्रा शुभारम्भ हुआ। वार्षिक महोत्सव हर साल मनाया जाता है, तो आज सभी श्रद्धालुगण भक्तगण कलश यात्रा किए हैं और महावीर स्थान से कलश यात्रा शुरू होकर राहलैन और जीटी रोड ब्रह्मबंधु तालाब होते हुए पुनः महावीर स्थान तक समाप्त हुई है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, जेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस, बीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल।